ये व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो गाइस आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं GTA 5। तो जैसे कि आप सभी लोग को याद होगा कि लास्ट एपिसोड अब जब हम लोग ने इस रेस में जाकर अपनी रेस स्टार्ट करी तो पूरा मैच तो हम लोग जीत ही रहे थे, मतलब एक ही लैप का रेस था और हम लोग पूरे टाइम फर्स्ट पर चल रहे थे। बट एट द एंड पता नहीं यार क्या हुआ, एक बहुत तगड़ा रेसर था जिसने भाई इतनी तेज अपनी गाड़ी भगाई कि हमें टक्कर मार के हमारी गाड़ी को ट्रैक से बाहर फेंका और अपनी गाड़ी को लेकर वो जीत गया और प्राइस सिर्फ फर्स्ट विनर के लिए था। तो हमारी रैंक सेकंड आई थी, पता नहीं क्या ही आई थी, मेरे को याद भी नहीं। तो सीधी सी बात है, हम लोग उस रेसिंग टूर्नामेंट को तो जीत नहीं पाए। अभी फिलहाल पिछले दो दिन से ये जो आप देख पा रहे हो ना पीछे अपने रेस्टोरेंट, मैं यहीं पर रुका हुआ हूँ। पीछे कुछ मोटेल थे तो वहीं पर अपना रूम ले रखा था। लेकिन यार अभी ना गाइस मेरे को मिलिट्री के एक बंदे का फोन आया है, बहुत ज़्यादा बड़ी गड़बड़ हो चुकी है इस टाइम पर। मतलब कि यार मिलिट्री कर्नल को मिलिट्री बेस में किडनैप कर लिया है टेररिस्ट ने, की जान खतरे में है, इसलिए मिलिट्री वाले बंदे मेरे को सीधा एयरक्राफ्ट कैरियर पर बुला रहे हैं। तो भी फिलहाल सबसे पहले मैं निकलता हूँ लॉस सैंटोस के लिए। तो मतलब अभी सीन कुछ ऐसा है कि जो मिलिट्री बेस है ना टेररिस्ट वहाँ पर भी पहुँच चुके हैं, क्योंकि यार मिलिट्री कर्नल पूरे टाइम एयरक्राफ्ट कैरियर पर था और वो किसी काम से मिलिट्री बेस गया था और उतनी देर में उन्होंने पूरा का पूरा मिलिट्री बेस को चारों तरफ से घेर रखा था। और जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचा भाई पूरा का पूरा कब्जा उन्होंने मिलिट्री बेस पर भी कर दिया है। अभी सबसे ज़्यादा सेफ जगह अगर देखी जाए अपने लिए तो ये अपना पलीटो है और साथ ही एयरक्राफ्ट कैरियर है, बाकी सारी जगह इस टाइम पर अपने लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस है। तो अभी सबसे पहले ना गाइस मैं जा रहा हूँ और फटाफट से गाइस मैं निकलने वाला हूँ एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए। तो गाइस अभी ना फिलहाल मिलिट्री के हर एक बंदे की ना हालत बहुत ज़्यादा खराब हो रखी है, क्योंकि अभी मैंने देखा पीछे से ना 5 टैंक अंदर को जा रहे थे मिलिट्री बेस के, लेकिन तुरंत आधे रास्ते से मुड़कर वो वापस चले गए। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है ना कुछ ज़्यादा ही गलत सीन है। खैर छोड़ो, कोई दिक्कत की बात नहीं, अभी ना फिलहाल जल्दी से हम लोग एयरक्राफ्ट कैरियर पहुँचते हैं, वहाँ पर जाकर हमें सारी की सारी इन्फॉर्मेशन वैसे मिल जानी है। बाकी यार अभी ना फिलहाल मैं उस जगह पर पहुंचने वाला, उसको मैंने साफ साफ बोल दिया था भैया मैं लॉस सैंटोस नहीं आ पाऊंगा, तू लॉस सैंटोस से बाहर आ जा, क्योंकि वहां पर जो टेररिस्ट हैं भाई वो हमारे इंतजार में बैठे हैं। तो चलो अभी जल्दी से मैं भी अपनी गाड़ी यहीं पर पार्क करता हूं, क्योंकि इसके बाद गाइस हम लोग बोट या फिर जेट स्की से आगे जाने वाले हैं, क्योंकि गाड़ी से एयरक्राफ्ट कैरियर या फिर एयरप्लेन से जाना तो बेकार ही है। गाड़ी से तो मैं वैसे ही नहीं जा पाऊंगा, बट एयरप्लेन या फिर कोई भी एयरक्राफ्ट से जाते हैं तो दिक्कत की बात है, इसीलिए हम लोग नॉर्मली जाएंगे। बोट से वो ज़्यादा बेटर रहेगा, भले ही थोड़ा बहुत ज़्यादा टाइम लग जाए, ये जगह पर थोड़े बहुत कम बंदे आते हैं और काफ़ी ज़्यादा सेफ है, यहाँ पर टेररिस्ट से हमें उतना ज़्यादा खतरा नहीं है। बाकी अपने साथ ना गाइस मैंने वेपन्स सारे के सारे रख लिए जो भी अपनी गाड़ी में थे, क्योंकि भाई मैं नहीं चाहता हूँ कि इस टाइम पर अगर सामने से टेररिस्ट आए या फिर कोई भी गैंग हमसे पंगा ले तो अपने पास वेपन्स ना हो। और एक सेकंड यहाँ पर ये भागता हुआ क्यों आ रहा है भाई, हेलो क्या हो गया, अबे अंधा है क्या भाई, मैं सीधे आ रहा हूँ पता नहीं। एक सेकंड, अभी इसको दिक्कत देखो, खुद ही भागता हुआ आया था और अभी उल्टा बोल रहा है मेरे को, बेटा मुंह ही मुंह पे मारो। फिलहाल जल्दी से ना गाइस हम लोग अपनी जेट्स की लेकर यहाँ से निकल लेते हैं सीधा एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए। तो यहीं पर नीचे ड्राइवर ने लाकर खड़ी कर दी थी और काफी ज्यादा बढ़िया कलर किया है, येलो कलर काफी ज्यादा फेवरेट है मेरा भी। तो भी फटाफट से हम लोग यहाँ पर उतरते हैं और जल्दी से बैठते हैं इस जेट्स की के अंदर। वैसे यार इसको जेट्स की भी बोलते हैं, सी शार्क भी बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हो मुझे नीचे आकर कमेंट में जरूर बताना। तो भी जल्दी से अपनी जेट्स की को लेकर चलते हैं सीधा एयरक्राफ्ट कैरियर पर और वहां पर चलकर देखते हैं आखिरकार क्या ही सीन चल रहा है उस टाइम पर मिलिट्री बेस में। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल मैं अपनी सी शार्क लेकर मिलिट्री के एयरक्राफ्ट कैरियर पर पहुंचने वाला हूं और अभी पीछे तक मैं इसको इतने ज़्यादा बढ़िया तरीके से कंट्रोल कर रहा था मैं क्या बताऊं, लेकिन यहां पर आकर ना भाई ये पूरी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है, क्योंकि इधर पानी की लहरें कुछ ज़्यादा ही ऊँची उठ रही है। तो चलो अभी फिलहाल जल्दी से इसको हम लोग पूरा मोड़ लेते हैं। और लास्ट टाइम मैंने यहीं पर अपनी सबमरीन लाकर खड़ी करी थी और मिलिट्री कर्नल ने वो जो सबमरीन है उसके अंदर बिग माफिया के भाई को डलवा कर बहुत ज़्यादा कहीं पर अंडर वाटर करवा दिया है। बाकी एक सेकंड हम लोग अंदर जा पाएंगे या फिर नहीं, ऊपर सिर भिड़ सकता है मेरे को तो ऐसा लग रहा है। अभी जल्दी से ना गाइस पहले इस पे से उतरते हैं और फटाफट से गाइस हम लोग यहाँ पर ऊपर चढ़ जाते हैं। चलो अभी फिलहाल मैं तो है भाई यार इसकी एंट्रेंस काफ़ी ज़्यादा बेकार बनाई है, आने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। तो चलो यार कोई नहीं, भी फिलहाल मजाक की बात है, हम लोग बाद में करेंगे, अभी फिलहाल जल्दी से ना हम लोग यहाँ पर ऊपर चलते हैं और किसी मिलिट्री के स्टाफ मेंबर या फिर किसी जनरल से बात करते हैं, वही हमें बता पाएंगे कि आखिरकार मिलिट्री बेस में इस टाइम पर एक्चुअली सीन चल क्या रहा है और कैसे मिलिट्री कर्नल को उन लोगों ने वहाँ पर पकड़ रखा है। अगर देखो उसको बचाने तो हमें जाना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर वो नहीं है तो सीधी सी बात है बिग माफिया के भाई को पकड़ने के लिए, मतलब उसको छुड़वाने के लिए बंदे हमारे पास ही आने वाले हैं, यानी अगला नंबर हमारा है, तो इसलिए भी हमें उसका साथ चाहिए होगा। बाकी काफ़ी सारे मिलिट्री वाले बंदे यहाँ पर आ चुके हैं, क्योंकि इनको भी पता है मिलिट्री बेस अभी इनके लिए सेफ नहीं है, इनके लिए क्या किसी के लिए भी सेफ नहीं है वो। तो ओके गाइस अभी ना फिलहाल मैंने पीछे एक मिलिट्री सोल्जर से पूछ लिया है कि आखिरकार मुझे जनरल कहाँ पर मिलेंगे और वो कह रहा है कि इस एयरक्राफ्ट कैरियर के टावर के टॉप फ्लोर पर चले जाओ, वहीं पर तुम्हें मिलिट्री जनरल एंड मिलिट्री वाइस कर्नल मिल जाएंगे। तो चलो यार अभी ना फिलहाल जल्दी से हम लोग चलते हैं इस टावर के टॉप फ्लोर पर, क्योंकि वही है जो कि हमें बता सकते हैं कि आखिरकार मिलिट्री बेस में इस टाइम एग्जैक्टली सीन क्या चल रहा है।
तो चलो गाइस, अभी ना फिलहाल मैं एयरक्राफ्ट कैरियर के टावर के टॉप फ्लोर पर आ चुका हूँ। अभी जल्दी से हम लोग चलते हैं सीधा अंदर कंट्रोल रूम में, और वो देखो वो खड़ा मिलिट्री जनरल, जल्दी से इससे बात करते हैं और पता करते हैं आखिरकार क्या सीन चल रहा है। तो चलो गाइस, अभी ना मेरी फिलहाल यहाँ पर इस मिलिट्री जनरल से बात हो गई है, और गाइस ये कह रहा है कि उस टाइम पर जो सीन है वो बहुत ज्यादा खतरनाक हो चुका है और सारी सिचुएशंस अपने हाथ से निकल चुकी है, और अपने लॉस सैंटोस को भी बहुत ज्यादा खतरा है एक बहुत बड़े बॉम्ब ब्लास्ट से, जिससे पूरा का पूरा शहर तबाह हो सकता है। तो आखिरकार सीन पूरा का पूरा है क्या, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो यार देखो, पहली बात तो ये कि उन टेररिस्ट ने मिलिट्री बेस में घुस के मिलिट्री जनरल को पकड़ लिया, जबकि वहां पर ऑलरेडी इतने सारे मिलिट्री सोल्जर्स थे। तो उन्होंने क्या करा, पहले वहां पर बॉम्ब ब्लास्ट करवाया ताकि जितने भी बाहर घूम रहे हैं ट्रेनिंग कर रहे हैं सारे के सारे मारे जाएं। उसके बाद कम से कम 1000 से 2000 टेररिस्ट ने वहां पर अटैक कर दिया और मिलिट्री कर्नल को वहीं पर पकड़ लिया। और इस टाइम पर उन्होंने मिलिट्री बेस की जो हालत कर दिया ना, मतलब कि ये लोग भी वहां पर जाने से डर रहे हैं। बाकी यार इस टाइम पर ना ये इसका प्लान तो कुछ ऐसा है कि हम लोग भी ना वहां पर ब्लास्ट करवा के ना पूरे के पूरे मिलिट्री बेस में जितने भी टेररिस्ट हैं उनको मार सकते हैं। पर सीन कुछ ऐसा है कि वहां पर अपना मिलिट्री कर्नल भी है और भी काफी सारे मिलिट्री स्टाफ के बंदे और भी बहुत सारे बंदे हैं जिनको बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अभी एक घंटे पहले यहाँ पर टेररिस्ट का कॉल आया था मिलिट्री बेस से ये धमकी देने के लिए कि तुम बस बिग माफिया के भाई को छोड़ दो, इधर से हम लोग मिलिट्री गनल को छोड़ देंगे, अदरवाइज उसको मार देंगे, तो तुम बस उसे छोड़ दो और तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन जहां तक मुझे लगता है तो यार ये कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि क्या गारंटी है वो लोग मिलिट्री गनल को छोड़ देंगे या फिर मिलिट्री बेस को और ज्यादा तबाह नहीं करेंगे या फिर लॉस सैंटोस में बॉम्ब ब्लास्ट नहीं करेंगे। अभी फिलहाल यार देखो, मुझे तो कुछ भी नहीं समझ आ रहा। लेस्टर को कॉल करते हैं और देखते हैं क्या सीन है, वही हमें इसके बारे में तगड़ा सॉल्यूशन देगा। तो चलो गाइस, अभी ना मेरी फिलहाल यहाँ पर लेस्टर से तो कॉल पे बात हो चुकी है और वो कह रहा है कि तुम ना बस जल्दी से जल्दी लॉस सैंटोस पहुंच जाओ अपने सीक्रेट बेस में, उसके बाद हम लोग वहां पर बैठ के डिस्कशन करते हैं कि आखिरकार हमें क्या करना है। जल्दी से अपने हेलीकॉप्टर में बैठकर गाइस हमें यहां से निकलना पड़ेगा, फटाफट से निकलते हैं। भाई साहब जितने भी मिलिट्री के बंदे थे ना वो भी सारे के सारे जा चुके हैं। इस हेलीकॉप्टर के अंदर गन तो बहुत तगड़ी लगी हुई है, मीन्स डबल मिनी गन लगी हुई है, वो भी दोनों साइड पर, यानी 4 मिनी गन है, बट उनसे भी इनका कुछ नहीं होने वाला। भाई जो शिप पर 20 RPG के शॉट कुछ नहीं बिगाड़ पाए, उस पर ये मिनी गन कम से कम 10 दिन भी चला दूंगा ना तब भी कुछ नहीं होने वाला। तो अभी तक तो फिलहाल इन लोगों ने नहीं देखा। तो भाई साहब ये लोग इतना ज्यादा बड़ा शिप लेकर आए थे इस पूरे के पूरे एयरक्राफ्ट कैरियर को तबाह करने के लिए, पता नहीं यार उस शिप के अंदर कितने ज्यादा बंदे भरे पड़े होंगे। मैं पता भी क्या सोच रहा हूँ कि क्यों ना मैं उस पैराशूट से ना शिप पर लैंड कर जाऊं। नहीं यार, ये बहुत ज्यादा गलत डिसीजन हो सकता है, उस शिप के अंदर काफी सारे तगड़े तगड़े वेपन्स भी लगे हैं, तो कुछ पता नहीं है भाई कब कौन सा वेपन ऑटोमेटिकली हमें मारने लग जाए। तो चलो गाइस, अभी ना फिलहाल मैं अपने हेलीकॉप्टर को लेकर सीधा लॉस सैंटोस पहुंच चुका हूं, और जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था कि लॉस सैंटोस में हमें काफी ज्यादा खतरा है, तो इसीलिए ना गाइस लेस्टर ने हमें सीक्रेट बेस की बजाय अपने घर पर बुलाया, क्योंकि उसका जो घर है वो ऑलमोस्ट लॉस सैंटोस के बाहर की साइड पर पड़ता है। तो भी फटाफट से ना गाइस हम लोग अपने हेलीकॉप्टर को इसके हेलीपैड पर लैंड करवाते हैं और अभी जल्दी से चलते हैं लेस्टर से बात करने, वो घर के अंदर ही हमारा वेट कर रहा है। अब बस यार ये जो हेलीकॉप्टर है ना इसके ऊपर लैंड हो जाए भाई, इतना ज्यादा बड़ा हेलीकॉप्टर है ना भाई, मुझे तो लगता भी नहीं है इसके हेलीपैड पर आ पाएगा, बट कोई नहीं भाई, तुम्हारा भाई एक अच्छा पायलट है तो आराम से इस पर लैंड करवा दूंगा, लेट्स गो भाई। बहुत ही ज्यादा प्यार से लैंड करवाया भाई, मतलब इतने सारे ट्री थे लाना मुश्किल था, थोड़ी खराब लैंडिंग हुई है, बट हाँ यार जगह के हिसाब से बहुत ज्यादा बढ़िया है। तो भी जल्दी से ना हम लोग अंदर चलते हैं। आरपीजी की सिर्फ और सिर्फ एक एमओ बची थी जो कि मैंने जानबूझ के बचाई थी, क्योंकि यार मैं नहीं चाहता था सारी एमओ वेस्ट हो जाए और कल को अगर और खराब सिचुएशन हो तो अपने पास बिल्कुल एमओ बचे ही ना। तो भी जल्दी से हम लोग अंदर चलते हैं, और यहाँ पर गेट किसी ने लॉक कर रखा है यार, बेल भी नहीं लगवा रखी। तो चलो गाइस, अभी ना फिलहाल यहाँ पर लेसन ने अंदर से गेट ओपन कर दिया है, तो अभी फटाफट से हम लोग इसके घर के अंदर चलते हैं, बात करते हैं इससे पूरे के पूरे सीन के बारे में कि फोन कॉल के बाद भी टेररिस्ट का एक और अटैक हुआ था। तो चलो गाइस, अभी ना मेरी फिलहाल यहाँ पर लेस्टर से बात हो चुकी है, और गाइस ये कह रहा है कि इसको ना मालूम था कि कुछ ऐसा ही बहुत ज्यादा खतरनाक सीन होने वाला है, क्योंकि इसको भी ना काफी सारे माफियाज के फोन आ रहे थे कि अगर तुम जानते हो बिग माफिया का भाई कहाँ पर है तो उसको छुड़वा दो वरना तुम में से कोई भी नहीं बचेगा। और अभी ना फिलहाल गाइस देखो, हम लोग ना दोनों साइड से फंस चुके हैं, अगर हम लोग बिग माफिया के भाई को छोड़ देते हैं तो वो लोग मिलिट्री जनरल को छोड़ देंगे, लेकिन बिग माफिया का भाई बाहर निकलने के बाद हम में से किसी को भी नहीं छोड़ने वाला। और अगर हम लोग मिलिट्री जनरल को, मतलब कि मिलिट्री वालों का साथ देकर हम मिलिट्री वालों को और अपने लॉस सैंटोस शहर को बचाने की कोशिश करेंगे तो भाई ये लोग इसी तरीके से हमारे ऊपर अटैक करते रहेंगे जैसा कि आपने अभी देख लिया, तो इनसे बचना अभी फिलहाल इम्पॉसिबल है। तो अभी ना फिलहाल लेस्टर कह रहा है ना कि उसने एक बहुत तगड़ा प्लान बनाया है, तो अभी वो फिलहाल निकल रहा है सीधा एयरपोर्ट के लिए, और वो कह रहा है कि अंदर ना एलमिरा में एक मिलिट्री आउटफिट पड़ी है और तुम जल्दी से उस आउटफिट को पहनो, पूरे रेडी हो जाओ और जल्दी से एयरपोर्ट पर पहुंचो। और ये लोग ना गाइस किसी प्लेन का जुगाड़ कर रहे हैं, और अभी गाइस मैं जाने वाला हूं सीधा मिलिट्री बेस के लिए, क्योंकि दो रास्तों से तो हम लोग फंस गए हैं लेकिन
तीसरा रास्ता जो लेस्टर ने भी बताया है, ये काम अगर पूरा हो जाएगा तो हम लोग पूरे बच जाएंगे। मतलब क्या, देखो लेस्टर का कहना ये है कि अगर हम लोग मिलिट्री बेस जाकर मिलिट्री गन को वहां से अगर छुड़ा कर ले आएंगे चुपचाप जैसे तैसे करके भी, तो फिर सारा काम आसान हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद हम लोग पूरे के पूरे मिलिट्री बेस के ऊपर बॉम्बिंग करवा के जितने भी टेररिस्ट हैं उन सबको आराम से मार सकते हैं। लेकिन यार जैसा कि लेस्टर ने कहा था, उसके लिए बस हमें पहले मिलिट्री गनल को वहां से बाहर निकालना है। चलो गाइस, आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट से इस वीडियो को जाकर लाइक कर देना। इस वीडियो पर मैं एम करता हूं 800,000 लाइक के लिए, तो सभी लोग जाओ जल्दी से लाइक का बटन दबा के गोल कंप्लीट कर दो। और जो भी चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। एंड मेरे से बात करने के लिए आप लोग मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर भी ज्वाइन कर सकते हो, इंस्टाग्राम एंड कोड दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो आज की इस वाली वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।